आर मौर्या चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों ऐसे तो बहुत ही लोग अलर्ट हो चुके हैं या जागृत हो चुके हैं कि महावारी के समय जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसके समय किस तरह से पैड का इस्तेमाल करना चाहिए, और काफ़ी हमारी जो फ्रेंड्स हैं व्यूवर्स हैं वो इसके बारे में सवाल भी पूछती हैं। लेकिन कुछ लोगों ने मुझसे सवाल पूछा है कि मैडम ये जो नैपकिन है, जो सैनिटरी पैड है, कितने देर में बदला जाए। तो दोस्तों मैं आज इसी के बारे में बताऊंगी। और अभी तक तो ये बात हम लोग बता रहे हैं कि देखिए हमेशा आप सैनिटरी का ही इस्तेमाल करिए, क्योंकि अब कपड़ों का इस्तेमाल मत करिए, इससे बहुत तरह की बीमारियां होती, UTI वगैरह होने के चांस होते हैं। जो एक जैसे लड़की रहती है और उम्र बढ़ती रहती है तो उसके साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स उसको क्रिएट होते रहते हैं, बीमारियां होने के चांस होते रहते हैं, UTI के चांस बहुत ही अधिक हो जाते हैं, या तो फिर वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन या तो फिर कई तरह के ऐसे डिस्चार्जेस वगैरह होते हैं जो आगे चलकर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो बना ही देते हैं, साथ में बहुत लंबा ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो दोस्तों आज मैं सीधे सवाल पे आती हूँ और बताती हूँ कि जो हमारे फ्रेंड्स ने सवाल किया है। तो दोस्तों हाँ बिल्कुल, आप सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये एक बहुत वैज्ञानिक तरीके से ये बनाया जाता है। आप देखे होंगे ये बहुत अच्छी तरह से इसको पैक करते हैं, पैकिंग में बहुत ही सही तरीके से रहता है, मीन्स ये बिल्कुल स्टरलाइज रहता है। जो आप इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपको किसी तरह का कोई इन्फेक्शन होने के चांस नहीं होते, साथ में आपके कपड़ों का तो बचाव होता है, और ये आपके लिए बहुत ही सुरक्षित रहता है, साथ में बहुत ही आपके लिए ये अच्छा रहता है, मीन्स आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते। आप उसको बड़े सलीके से 5 दिन तक या 3 दिन तक इस्तेमाल करते हैं और आपको कोई इरिटेशन नहीं होता। तो दोस्तों हाँ, अगर आप पैड चेंज करते हैं तो कैसे करते हैं, ये बहुत ही ज़रूरी बात है, ये आपको समझने की ज़रूरत है कि अगर बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही है जिनको, तो वो दो चीज़ पे आप अपने माइंड को सेट कर सकते हैं, आप अपने आप को वहाँ पर रख सकते हैं कि पहली चीज़ है कि अगर हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो क्या पैड आपके पूरी तरह से गीले हो चुके हैं, तो आपको तुरंत बदलने की ज़रूरत है। तो जिनके बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग होते हैं उनको तो भाई पैड का टाइम तो बहुत ज़्यादा नहीं वो दे पाएंगे, क्योंकि डिपेंड करता है कि कितनी हैवी ब्लीडिंग है, वैसे चेंज करना चाहिए। और जो बहुत ही शॉर्ट रहता है, बहुत देर में होता है, तो ऐसे लोग अपने नैपकिन को चेंज ही नहीं करते, वो बहुत ही लंबे सुबह अगर उन्होंने इस्तेमाल किया तो रात में या सेकेंड डे निकालते। दोस्तों ये बहुत गलत बात है और इतने देर तक नहीं रखना चाहिए, इससे बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो आपको जो समय में बता रही हूँ वो सिर्फ आपको 4 घंटे में इसको चेंज करना चाहिए, क्योंकि जैसे 4 से अधिक टाइम होता है इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत अधिक हो जाता है। और जिन हमारे व्यूवर्स, जिन हमारे फ्रेंड्स को अगर बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो वो अपने नैपकिन को देख लें क्या पूरी तरह गीला तो नहीं हो गया, अगर गीला हो गया तो वो 4 घंटे से पहले चेंज कर लें, नहीं तो 4 घंटे में चेंज कर लें। और जो टेफ्लॉन का ये सैनिटरी पैड आता है तो वो तो 2 से 4 घंटे में ही चेंज करना चाहिए, नहीं तो इससे बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं, वहाँ इंचिंग होती है, खुजली होती है, रेडनेस होती है, एक वेजाइनल पार्ट जो होता है वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड हो जाता है, और बहुत तरह की गोनोरिया टाइप की, इस तरह की डिस्चार्जेज, लिकोरिया, इस तरह की प्रॉब्लम भी होने लगती है आगे, या तो चांस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की जो टॉपिक थी वो आपके समझ में आ गया होगा कि आपको एक तो इसका इस्तेमाल करना ही करना है और कैसे करना है। तो दो बातें बहुत ही ध्यान में रखना है कि आपको शॉर्ट है या लॉन्ग है, हैवी ब्लीडिंग हो रही है या थोड़ा सा स्लो ब्लीडिंग हो रही है, उसी हिसाब से आपको तो अपने नैपकिन चेंज करने हैं। साथ में आप जो आवर्स है उसको आप 4 घंटे का रखिए, तो अगर टेफ्लॉन है तो 2 से 4 घंटे रखिए। दोस्तों इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।